चांदपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बिजनौर के एसपी ने मीडिया को बताया कि 3 नवंबर को जनसुनवाई के दौरान चांदपुर के रहने वाले एक डॉक्टर ने एसपी को बताया कि कोई उनसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए 12 लाख रुपए मांग रहा है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नंबर को सर्विलांस पर लगवाकर पता लगाया कि कॉल करने वाला कौन है और तुरंत पुलिस के जरिए उसे उठा लिया गया। पकड़ा गया आरोपी इंतजार निवासी पपसरा खादर मंडी धनोरा अमरोहा निकला। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पहले इस डॉक्टर का एक छोटा सा क्लिनिक था और बाद में डॉक्टर ने एक बड़ा अस्पताल बना लिया। उसे लगा कि डॉक्टर के पास काफ़ी पैसा होगा तो क्यों ना इससे पैसा लिया जाए, इसलिए उसने व्हाट्सएप कॉल के जरिए डॉक्टर से 12 लाख रुपयों की रंगदारी मांगी। उसने सोचा था कि वो व्हाट्सएप से कॉल करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। कल दिनांक 3 नवंबर 2023 को जनसुनवाई के दौरान मेरे समक्ष थाना चांदपुर के रहने वाले एक चिकित्सक एक रिटन एप्लीकेशन लेकर प्रस्तुत हुए। उन्होंने ये बताया कि उनसे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति 12 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। इस एप्लीकेशन का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चांदपुर पर अभियोग दर्ज किया गया तथा स्वैग टीम सर्विलांस टीम एवं थाना चांदपुर पुलिस को निर्देशित किया गया कि इस अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। टीम ने सफलतापूर्वक घटना का निवारण करते हुए मध्यरात्रि को इस अभियुक्त जिसका नाम इंतजार है जो कि मंडी धनोरा जनपद अमरोहा का रहने वाला है उसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, इसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन एक स्कूटी बरामद की गई है। इसकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की गई तो उसके विरुद्ध जनपद अमरोहा में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज पाए गए जिसमें गैंगस्टर और लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसका उपचार कराया जा रहा है। इस केस में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।